म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलेनोइड, म्यूचुअल इंडक्टेंस या कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस एक ही बात है, यानी कि सिंबल इज एम। तो हम एम निकालना चाहते हैं दो कॉइल्स का। रूल नंबर वन, जब आप दो इंडक्टर्स लेंगे या सोलेनोइड लेंगे उनको ना एकदम एक्सिस कॉमन रखें, इसे एक फायदा होगा। दूर रखेंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कम पैदा होगी। एकदम मिक्स कर देंगे, एकदम मिला देंगे, एक्सिस सेम रख लेंगे, तो जितना भी एक का चेंज होगा उतना ही भी एग्जैक्टली दूसरे का भी चेंज हो जाएगा, तो खूब इफेक्ट अच्छा आएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो इसके अंदर दो आपने इंडक्टर्स ले लिए, हम इसमें काम करेंगे। इसके अंदर इमेजिन करो कि मैंने ये S2 वाली कॉइल में करंट मैंने पास किया I2, ये मैंने पास किया, तो I2 मैं चेंज करूँगा। पिंक वाली कॉइल में मैंने कुछ नहीं किया, ऐसी पड़ी थी। तो जब ब्लैक कॉइल में I2 मैंने पास किया या चेंज किया, तो ब्लैक वाली कॉइल का नाम क्या है? प्राइमरी। पिंक वाली कॉइल में कुछ नहीं किया, इसका नाम क्या है? सेकेंडरी। क्लियर है यहाँ तक? तो प्राइमरी कॉइल में करंट मैंने पास किया I2, प्राइमरी कॉइल में B कितना जनरेट हुआ? म्यू नॉट I2 N2 I2। तो ये कौन सी कॉइल की बात हो रही है? प्राइमरी, जिसमें मैंने करंट सेंड किया, मैंने भी जनरेट किया, राइट? हम फ्लक्स किसका चेंज करेंगे? सेकेंडरी का। तो जो सेकेंडरी S1 कॉइल है सेकेंडरी, इसका फ्लक्स क्या होगा? B इंटू एरिया। अब इसका खुद का तो B है नहीं, क्योंकि ये तो ऐसी पड़ी हुई थी, इसमें तो करंट पास भी नहीं किया, तो ये फ्लक्स किसका यूज करेगी? प्राइमरी कॉइल का। B किसका यूज करेगी? प्राइमरी कॉइल का। तो ये B प्राइमरी का यूज करेगी, यानी कि B2 एरिया अपना यूज करेगी, क्योंकि फ्लक्स इसने खुद का निकालना है, एरिया अपना यूज करेगी और नंबर ऑफ टर्न्स भी ये अपने ही यूज करेगी, बस एक चीज पड़ोस का यूज करेगी और वो क्या है? बी। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो प्राइमरी कॉइल का बी, सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स, सेकेंडरी का एरिया, सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स। क्या स्टेप क्लियर है? तो करंट प्राइमरी में जाएगा, बी प्राइमरी का होगा, फ्लक्स सेकेंडरी का निकलेगा, पर सेकेंडरी के फ्लक्स में बी प्राइमरी का ही होगा। तो यहां पर B2 की वैल्यू, ये वैल्यू यहां से यहां पुट कर देंगे तो फ्लक्स आ गया किसका? सेकेंडरी का। अब हेनरी क्या कहता है, ये करने की जरूरत क्या थी? मेरे से पूछ लो आंसर, टोटल फ्लक्स क्या होगा सेकेंडरी का? M इंटू आई। वो बोलता है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस मान लो M है और I कौन सा? I2। प्राइमरी का जो करंट है I2, और फ्लक्स किसका? सेकेंडरी का। ये स्टेप समझ में आ रहा है? करंट प्राइमरी का, फ्लक्स किसका चेंज? सेकेंडरी का। अब फ्लक्स हम दो तरीके से निकाल रहे हैं, एक बार पुराना तरीका, एक बार ये तरीका, दोनों को इक्वेट कर लिया, I2 कैंसल, जो बचा फॉर्मूला वो M म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला, और N2 का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आंसर। ये फॉर्मूला मार्क करो, न्यूमेरिकल में काम आएगा। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों क्वाइल्स की, दोनों क्वाइल्स के नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करेगी, एरिया पर डिपेंड करेगी, लेंथ पर डिपेंड करेगी। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? अब आप कहेंगे कि पता कैसे लगेगा कौन प्राइमरी कौन सेकेंडरी, ये कैसे पता? उल्टा कर लो, चलो उल्टा कर लो, फिर से डेरिवेशन करते हैं, फिर एम निकालते हैं। इस बार करंट किसमें पास किया मैंने? एस वन में। तो एस वन में कितना करंट पास किया? आई वन। तो एस वन में बी मैंने जनरेट किया कितना? म्यू नॉट एन वन आई वन। अब बी, अब एस वन कौन हुई? प्राइमरी। फ्लक्स किसका चेंज होगा? एस टू का, लेकिन बी किसका यूज करेगा? प्राइमरी का। तो सेकेंडरी एस फाइव टू सेकेंडरी है, नंबर ऑफ टर्न्स भी एन टू और एरिया भी सेकेंडरी। तो इस B1 की वैल्यू को यहां से यहां पुट कर लें, और phi इज MI में, I प्राइमरी का, फ्लक्स सेकेंडरी का, इन दोनों को इक्वेट करके आपके पास फिर से आंसर सेम आएगा। जब ये स्कूल में या NCERT में प्रूफ करने को आएगा, आपको दो बार नहीं करना, आप बस पहले वाला पार्ट कर दो, सफिशियंट है। दो बार तो ये बताने के लिए प्रूव किया जा रहा है कि तुम करंट जिसमें मर्जी पास कर लो, M की वैल्यू दोनों में एग्जैक्टली सेम आएगी। I2 चेंज हो गया इसमें, कट भी गया एंड में। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? कैसे सोच रहे हैं इसमें? और इसके अंदर एक और चीज, जब आप एरिया पुट करते हो इसमें एरिया, क्योंकि दो जो इंडक्टर्स है ना, इनका एरिया डिफरेंट है, देखो लेंथ सेम है, एरिया डिफरेंट है। तो आप एरिया क्या पुट करोगे जो न्यूमेरिकल आएगा? कॉमन एरिया। जैसे एक कॉइल का क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा है, एक का छोटा है, तो कॉमन एरिया क्या होगा? छोटे वाला एरिया।
तो याद रखना, जब एक सोलेनोइड बड़ा एरिया का, एक छोटा, तो आपने एरिया की कैलकुलेशन में छोटा एरिया पुट करना है जो कि कॉमन है, क्योंकि वो कॉमन पोर्शन में म्यूचुअल इंडक्टेंस लगेगी। क्लियर है यहाँ तक? तो प्रूव हो जाएगा ये। इसको और समझने के लिए ये एक एग्जाम्पल है, देखो एक न्यूमेरिकल इसके ऊपर, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल एम पे मिलेंगे नहीं आपको, ये एग्जाम्पल करते हैं। इसके अंदर ये दो लूप्स हैं, रेक्टेंगुलर लूप्स हैं, स्क्वायर लूप्स हैं, चलो स्क्वायर लूप है। इसके अंदर आपको क्या निकालना है, एम निकालना है इनका, इन दोनों का एम निकालना है। अब क्वेश्चन ये है, मैं करंट किसमें पास करूं? वैसे तो रूल है करंट जिसमें मर्जी पास कर दो, मैंने करंट किसमें पास किया, आउटर में पास किया, तो मेरे को इसका एम निकालना है। आउटर में जब मैं करंट पास करूंगा तो आउटर लूप अपने सेंटर पे बी जनरेट करेगा, वो भी ये भी यूज कर लेगा, छोटा कॉइल भी यूज करेगा, तो बड़ा कॉइल कितना बी यूज करेगा या बड़ा कॉइल कितना इसमें बी जनरेट करेगा। हमने बाइट सर्वट लॉ की एप्लीकेशन की है, इस वायर के दो एंगल बने गए 45 45, तो यहां से एक वायर का बी क्या होगा, म्यूनोट बाई 4 पाई आई बाई एल बाई 2 साइन 45 प्लस साइन 45। ऐसे कितनी वायर्स हैं, चार से मल्टीप्लाई कर दिया, बी आ गया। तो ये बी बड़े लूप ने जनरेट किया। अब फ्लक्स किसका चेंज होगा, छोटे का। तो छोटा वाला कहता है ठीक है तुमने बी जनरेट कर दिया, अब मेरी बात सुनो, छोटा कहता है फ्लक्स है फाई, बी मैं तुम्हारा यूज करूंगा बड़े वाले का, और एरिया कोई टेंशन नहीं, मैं अपना यूज कर लूंगा, फ्लक्स तो मेरा ही है ना, तो छोटे वाले का एरिया छोटा एल स्क्वायर। तो बी की वैल्यू यहां से यहां पुट कर दी फ्लक्स। फिर हेनरी कहता है यार ऐसे क्यों निकाल रहे हो फ्लक्स, ऐसे निकाल दो, फाई इक्वल टू एम आई, करना ही कुछ नहीं, दोनों को इक्वेट कर लो, आई और आई कैंसिल, जो बचा एम आंसर, तो कुछ करना ही नहीं, एक में करंट पास करो उसका बी यूज करो, सेकेंड का फ्लक्स निकाल दो, एंड में फाइव एम आई यूज कर दो, एम आ जाएगा। तो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस के अंदर कैसे एम निकलेगा, ठीक है यहां तक। अब इसके अंदर दो चीजें और हैं, पहली चीज